हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। अभी बज रही हैं सुबह की 9 और मैं उठ तो कब की चुकी हूँ, पर सुबह के काम चल रहे थे और अभी मैं यहाँ पर सब्ज़ी काटने बैठी हूँ। तो चिकू की डाइट में है आज ब्रांड रोटी और सब्जी, हरी सब्जी। तो हरी सब्जी में है चिंदूरी, तो वो मैं कट करूँगी और खाना वगैरह जल्दी से बना के शॉप पर पहुँचना है। इसलिए अभी चिंदूरी वगैरह कट चुकी है और हाथों की हालत आप देख सकते हो, इतनी गंदी हो जाती है, इसलिए टिंडूरी काटने की नहीं होती है, बहुत ही बेकार हो जाते हैं हाथ। पर सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, इसलिए कोई नहीं, चलता है। पर कल से रूम में चूहा घुसा हुआ है, कहाँ है मिल ही नहीं रहा है। कल बहुत मशक्क़त की है इस चूहे को ढूंढने में, पर निकल जाएगा तो बढ़िया। बस यही दिक्कत है कि यहाँ पर किसी कंप्यूटर के सीपीयू के वायर्स नहीं काटते, बस यही दिक्कत है। हालांकि अच्छे ही नहीं लगते हैं ये सब जानवर, क्या पता कहाँ से आ गया, बाकी आता नहीं है, हो सकता है ओटीएस से आया ऊपर से। और आज एक और गुड न्यूज़ है, वो मैं आपको नहाने के बाद बताती हूँ। अभी फटक से रेडी हो जाती हूँ, मैंने सब्ज़ी बना दी है, यानी फ्राई करके रख दी है, वो पक रही है। जब तक मैं नहा के आती हूँ तब तक वो पक जाएगी कम्प्लीटली। चावल भी भिगा दिए हैं, आटा नहा कर फिर बांधूँगी। यस, मैं रेडी हो चुकी हूँ और आज मैं सागर चोटी यानी फ्रेंच चोटी बनाने का सोच रही हूँ। बाल तो वैसे ही बहुत छोटे हो गए, पर बनाते हैं क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है इसलिए। कैसी बनी है एक बार चलो, फर्स्ट अटैम्प में ही बन गई, नहीं तो एक दो बार ट्राई करना पड़ता है। अच्छी लग रही है, तो अब खाना वगैरह जल्दी से बना के जाना है शॉप पर। यहाँ पर सब्जी बन गई है और चावल पक रहे हैं, इधर दूध गर्म हो रहा है और ये मैं अभी यहाँ पर आटा बांध रही हूँ। ब्रेड निकाल दिया है और आधा इसके अंदर आटा मिक्स करूँगी। साड़ी ब्लैक है इसलिए एप्रन पहन लेती हूँ, नहीं तो गंदी होगी तो इतनी खतरनाक दिखेगी, भूल जाती हूँ। खाना बनाना जल्दी जल्दी रहता है तो एप्रन पहन ही नहीं पाती, और एप्रन मेरे को पूरे वाला गर्मी में नहीं पहना जाता। तभी आटा ले आती हूँ मैं और इसके अंदर मिक्स कर देती हूँ, जो मैंने कटोरी निकाली थी उसका मेजर से ले गया। नमक तो ख़त्म भी हो गया है, चलो इसके अंदर तो काम आ जाएगा। किसका आ रहा है, अब नॉर्मल आटा बांध देते हैं मम्मी पापा के लिए, आटा लेके आती हूँ। अब तो हाथ धोनी पड़ेगी नमक उठाना। अभी चल रही है शॉप करो पर सेल, तो आप जो चाहो वो खरीद सकते हो। ऑयल लगाकर आटे को तो मैंने करने रख दिया है रेस्ट, और ये ब्रांड की रोटी बनाना मैं चालू कर दूंगी। और जब तक ब्रेड वाली रोटी बन जाएगी तब तक ये आटा भी सेट हो जाएगा। खाना बनाने के बाद का पसीना, बहुत ज़बरदस्त की गर्मी लग रही है, भयंकर। सो फाइनली मैं अभी फ्री होके जा रही हूँ शॉप पर, और अभी बज रही हैं, वॉच भी नहीं पहनी है, याद आ गया यानी, तो वॉच पहन लेती हूँ और जाती हूँ शॉप पर। चिकू भी लेने आ गए शॉप पे तो कब से आ गई हूँ, पर यहाँ पर आके कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि कस्टमर भी थे और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। लाइट्स चली गई हैं और इन्वर्टर में आ गई है थोड़ी सी ख़राबी, इसलिए दिक्कत हो रही है। इन्वर्टर की बैटरियाँ हैं वो डिस्चार्ज हो चुकी है बिल्कुल, तो उनको चार्ज करवाने के लिए परसों से भेजा हुआ है, तो आई होप कल हो के आ जाए। इसी वजह से ना वीडियो बन पा रही है, मेकअप के ट्यूटोरियल नहीं बन पा रहे हैं। प्रिंसी भी यहीं पर है, प्रिंसी की भी मेकअप के ट्यूटोरियल बनाना है पर बना नहीं पा रहे हैं, वो कुछ दिन के लिए अपने ताऊजी के वहाँ पर रह रही है। और एक दो दिन कल जैसे कि अगर बैटरीज चार्ज होकर आ जाती हैं और लाइटें रहेगी तो कल ट्यूटोरियल बनाने का बिल्कुल ट्राई करूँगी। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बैठना बहुत मुश्किल हो रहा है। फाइनली अब भी लाइट्स आ गई हैं, 2 घंटे के बाद लाइट आई है, बहुत परेशान हुए हम बहुत ज़्यादा, मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई है। जैसे कि अब थोड़ी देर बैठेंगे फिर कुछ काम करेंगे। अभी आ गई हूँ घर पे और आज मुझे है मूड चाय पीने का, तो चलिए चाय बनाते हैं और फिर खाकरे के साथ खाएंगे। थोड़ी भूख भी लग गई है इसलिए, और टाइम भी हो गया लगभग खाना बनाने का, तो पर तब तक तो भूख बर्दाश्त नहीं होगी, तो बना लेते हैं चाय।
और आज मैंने न्यू नेल पेंट लगाया है, यानी मुझे एकदम न्यूट सा कलर लगाया है, क्योंकि मुझे है ना ज़्यादा वायलेंट कलर मेरी नेल पेंट में अच्छे नहीं लगते। मुझे तो क्या अच्छे नहीं लगते, चिकू को अच्छे नहीं लगते, सब चिकू के हिसाब से ही मुझे करना पड़ता है। ये उनको रेड पिंक इस टाइप के कोई भी कलर्स अच्छे नहीं लगते, उनको एकदम सिंपल लाइट न्यूट कलर ही अच्छे होते हैं। तो जिसको दिखाना है, उसको पसंद है, वैसे ही तो लगाना चाहिए ना। भिंडी हमारी इतनी कट चुकी है, आधी कट गई है लगभग, आधी कटनी बाकी है। ये चलो चाय पीने के बाद करिए, और चाय यहाँ पे बन गई है एकदम कंप्लीट। तो चाय को छान लेती थी, और चाय और खाकरा एंजॉय करूँगी चाय में भी। ये रही, तो दोनों को एंजॉय करते हैं, रूम में ले जाते हैं। दोनों एक साथ पकड़ नहीं पाऊँगी, इसलिए मुझे एक बार कैमरा रख के आना पड़ेगा। एसी भी ऑन कर देती हूँ। चाय, खाकरा और इंस्टाग्राम, तीनों का एंजॉय करते हैं। चेक कर दियो आज किन किन के डीएम आए, क्या हुआ है भाई। खानों बन रहा है बिट्टू, परेशान नहीं करो। क्या ब्लॉग क्या करना है? मेरी चोटी कैसी लग रही है तुमको? मेरे जैसी। बताओ ना कैसी लग रही है? मेरे जैसी। बताओ ना कैसी लग रही है मेरी चोटी? मस्त। एक मिनट, कैसी लग रही है मेरी चोटी? खाने में बना है आज भिंडी की सब्जी, बन रही है। यहाँ पर आटे गून के रख दिए हैं, ब्रांड वाला, और ये आटा। और एज यूजुअल मैं खाना बनाने में आज थोड़ी लेट हो गई, क्योंकि शॉप से आई थी लेट। क्या दिनचर्या हो गई है, मस्त एकदम बोरिंग वाली। अभी जा रहे हैं खरगोश को लेने, क्योंकि खरगोश दिन में रहते हैं उनके बाहर बड़े पिंजरे में, और रात को उनको अंदर ले आते हैं। बाप रे, ये रे वेट कर रहे हैं हमारा, हमको कब लेने आएंगे। ये रेड आइज वाला बहुत शैतान है। ये तो घुस भी जाता है एकदम से। चल चलो अंदर जा रहे हैं। इसकी आइज कैसे चमक रही है। ओ बाप रे, इसको तो पकड़ के ही डालना पड़ेगा। घबरा क्यों जाता है, उसको जाके चिपक दिया। वा कपड़े भी कौन सुबह लेंगे। खिलौने जैसे लगते हैं नहीं एकदम। सोते तब तो कितने लंबे से पतले पतले दिखते हैं, ऐसे तो मोटू मोटू दिखते हैं। गोलू मोलू जब हम ये खरगोश लाए थे तब एकदम से छोटे छोटे थे, बहुत ही ज़्यादा क्यूट थे, इसलिए पापा मम्मी दोनों अहमदाबाद गए थे, वहाँ से लेके आए थे। तब क्यूट लगे थे इसलिए लेके आए थे। फिर इसके बाद लोग बोल रहे थे कि इससे अच्छा नहीं रहता है या शुभ होते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। पर देखो, अगर अच्छा लगा है तो लेके आए, शौक के लिए लेके आए, तो ऐसा तो नहीं कि ये ख़राब करेंगे यूँ करके अपन इसको निकाल दें। अब ये अपन पे डिपेंड हो गए, हमने इनको अपनी आदत गिरा दी है, तो हम इसको किसी को दे तो सकते नहीं है। मन हो रहा था किसी को दे 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 दे, पर इनकी क्यूटनेस देख के किसी को देने की इच्छा हो सकती है? नहीं। बोलते हैं लोग ऐसा करते, कोई जानवर क्या ही कर लेगा हमारा, सिर्फ वो खाने की एक्सपेक्टेशंस रखता है, और उसको खाना चाहिए और प्यार चाहिए, वो करे तो बहुत है। अब थोड़ा बहुत तो रहता ही है काम इनका, पर इतना ज़्यादा भी नहीं रहता है। चलो अच्छा है, मुझे क्या जानवर थोड़े कम पसंद है, पर नफरत नहीं है, खुश होती है उनको देख के बस। इसलिए मन नहीं है अब किसी को देने का, पहले था कि दे देंगे, पर नहीं देना है। चिकू को भी अब इतना लगा हो गया है, पूरा दिन बस कभी भी आते ना उनको एक बार यूँ छू लेते ही होता है, और जब टच करते तब तो ओ हो, इससे सॉफ्ट इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता ऐसा लगता है, और इनसे क्यूट भी कुछ नहीं हो सकता है, सबसे ज़्यादा क्यूट लगते हैं। और पैरेट भी है हमारे घर पर, चिकू और मम्मी को बहुत ज़्यादा यानी शौक है,
एनिमल लवर है बहुत ज़्यादा, बड़े डॉगी भी इनको बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे घर पे एक लैला है ना, आपको एक दो बार बताया है मेरे ब्लॉग में, वो भी बहुत प्यारी है। और अब इसी के साथ कर रही हूँ मैं ब्लॉग का एंड। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और हमारे बनीज अच्छे लगे हो तो लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग में। बाय।